ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होया ने अपनी छवि को धूमिल करने के लिए असत्य और भ्रामक ऑडियो वीडियो वायरल करने को लेकर पत्रकार वार्ता में कहा कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा साठ गांठ कर रंजिशवश उन्हें बदनाम करने की नीयत से वीडियो व ऑडियो में छेड़छाड़ और कूट रचना कर सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है। उन्होंने इसकी शिकायत रायपुर SSP से करते हुए निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रैंड विजन के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा के खिलाफ इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रहे ऑडियो को श्री होरा ने असत्य और भ्रामक बताते हुए अपनी छवि बदनाम करने की साजिश बताया है। उन्होंने इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर को लिखित शिकायत देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की है। श्री होरा ने इस संबंध में लगभग दर्जन भर लोगों के खिलाफ SSP से लिखित शिकायत भी की है। होरा ने सोशल मीडिया में कूट रचित ऑडियो वीडियो से भ्रामक संदेश प्रसारित करने वालों के खिलाफ जल्द ही मानहानि का दावा करने की जानकारी मीडिया के समक्ष दी है। ग्रैंड विजन के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उनके स्वामित्व वाले ग्रैंड विजन का प्रसारण रायपुर राजधानी समेत प्रदेश के कई शहरों में किया जाता रहा है। वहीं कुछ समय पूर्व उन्होंने केबल व्यवसाय से जुड़े राजू पंजारिया, जयपाल सिंह उर्फ विक्की गुलाटी, कमलेश यादव, अशोक शर्मा, ब्रिजेश यादव, उदय प्रताप सिंह, अरविंद सिंह गुलाटी, अशोक अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल और जी सुरेश बाबे के आपराधिक कृत्य की शिकायत थाने में की थी। उसी समय से ये सभी लोग मुझसे रंजिश रखे हुए थे। इसी का बदला लेने के उद्देश्य से इन लोगों ने मेरी आवाज़ को इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में छेड़छाड़ कर दुर्भावनापूर्ण तरीके से टेम्परिंग करते हुए इसे सोशल मीडिया में वायरल कर मुझे और प्रदेश के प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि व अधिकारियों को बदनाम करने का प्रयास किया है। गुरचरण सिंह होरा ने यह भी बताया कि इस पूरे अनैतिक कृत्य को अंजाम देने में कमलेश यादव और नागेंद्र पाल सिंह गुलाटी की अहम भूमिका भी रही है। इस भ्रामक ऑडियो वीडियो को वायरल करने का इनका एकमात्र उद्देश्य मुझ पर दबाव बनाते हुए इनके खिलाफ मेरे द्वारा दर्ज कराए गए मामलों को वापस करवाना है। श्री होरा ने रायपुर SSP से इस पूरे मामले की नामजद शिकायत करते हुए निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। साथ ही श्री होरा ने ये भी कहा कि इस घटना से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, अतः आगामी दिनों में इसमें शामिल सभी षड्यंत्रकारियों के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। मैं ये बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने, जो वीडियो वायरल हुआ है वो पूरा असत्य एवं भ्रामक है। उसमें टेम्परिंग की गई है, उसमें प्रतिष्ठित नेताओं को, अधिकारियों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। मेरा केबल का व्यवसाय मैं शांतिपूर्वक ढंग से कर रहा हूँ और व्यापारिक दृष्टि से कर रहा हूँ, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ मैंने इसकी विधिवत FIR जो है देवेंद्र नगर थाने में की है। SP महोदय को इसकी कॉपी भी है और पुलिस को स्पष्ट जांच करने कहा है, और मैं इस प्रेस के माध्यम से बोलता हूं निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच करें और जो लोग दोषी हैं उनको जेल भेजें, और मैं मानहानि का दावा भी उनके खिलाफ कर रहा हूं। ये मेरी लड़ाई है, ये मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा। ग्रैंड न्यूज के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा जी हमारे प्रेस क्लब के सदस्य हैं, और जो उनके खिलाफ जो एक वीडियो वायरल हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं और उसकी कड़ी जांच होनी चाहिए और दोषी के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या लग रहा है उसकी छवि को बदनाम करने की साजिश सही है? अब गुरुचरण होरा जी ने पुलिस को एक आवेदन दिया है और उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिस पर दोषी पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड ACN न्यूज़।